गुब्बारे से अमेरिकी जासूसी की बात को चीन ने नकारा, कहा कि इस अप्रत्याशित घटना के पीछे चीन का हाथ नहीं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप सभी का स्वागत है ई इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के हवाई क्षेत्र में गुब्बारे द्वारा जासूसी की घटना सामने आई थी। इसका आरोप चीन पर लगाया गया था, लेकिन चीन ने अपनी सफाई में इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और उसने कहा कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में दिखाई देने वाला जासूसी गुब्बारा चीन का नहीं है और यह एक अप्रत्याशित घटना थी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से जब इस संबंध में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि इस तरह की अनमैंड एयरशिप के अमेरिकी हवाई क्षेत्र में शामिल होने के पीछे अप्रत्याशित कारण हैं और चीन इस बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की घटना को खारिज करता है। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान उस समय आया है जब पेंटागन द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने बताया कि हम इस घटना की पूर्ण रूप से समीक्षा कर रहे हैं और इसके चीन से जुड़ाव को भी खंगाल रहे हैं। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह गुब्बारा चीन द्वारा भेजा गया था और वह इसके द्वारा अमेरिकी सैन्य अड्डों की निगरानी करना चाहता था। जांच के दौरान यह भी कहा जा रहा है कि गुब्बारे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे थे जिससे कि सूचना को बीजिंग आसानी से भेजा जा सकता था। आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना ने अमेरिका की सुरक्षा के मद्देनज़र इस गुब्बारे को फरवरी की शुरुआत में ही नष्ट कर दिया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।